नोटबंदी पर जहां एक तरफ पूरा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ लामबद्ध है, तो वहीं मोदी को एक अप्रत्याशित समर्थन मिला है। नोटबंदी पर मोदी को ये समर्थन दिया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए इसे काले धन के खिलाफ लड़ाई बताई है। नीतीश के सपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी अपने पुराने साथी की जमकर तारीफ की। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि आखिर नोटबंदी पर बिहार सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा। मैं तो इसका हिमायती हूँ, मैं साफ बता देना चाहता हूँ, मैं तो हिमायती हूँ। ये जो 500 रुपए का नोट बंद किया गया, मैं तो हिमायती हूँ। इससे जो 2 नंबर का नोट है, जाली नोट है, वह अपने आप समाप्त होगा। और 2 नंबरी कारोबार करके जो काला धन पैदा किए हैं, उनका काला धन बर्बाद होगा, इसलिए हम इसके हिमायती हैं। नीतीश के सपोर्ट पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, पीएम मोदी की ओर से ब्लैक मनी और करप्शन के खिलाफ छेड़ी गई जंग का समर्थन करने पर मैं खुले तौर पर नीतीश कुमार की तारीफ करता हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार का विशेष अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मोदी जी की काले धन के खिलाफ जो लड़ाई है उसका समर्थन किया है। मैं इस सार्वजनिक मंच से श्री नीतीश कुमार का हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि काले धन की लड़ाई में इन्होंने मोदी जी का साथ दिया। गौरतलब है कि बीजेपी और जेडीयू बिहार में गठबंधन सरकार चला चुकी है, लेकिन 2014 के आम चुनाव से पहले ये गठबंधन टूट गया था, जिसके बाद बिहार चुनाव के दौरान दोनों के बीच खटास खासी बढ़ गई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में बिहार के सीएम और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के कई फैसलों की तारीफ की है। नीतीश के इस बदलाव के बाद से नए राजनीतिक समीकरण लगाए जा रहे हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।